राधे राधे जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे नाम का ज्ञान बाय अंजलि पांडे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज मैं बताऊंगी अवनी नाम का अर्थ क्या होता है, अवनी नाम की लड़कियां कैसी होती हैं, अवनी नाम की लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगी कि अवनी नाम की लड़कियों का शुभ रंग, शुभ दिन और शुभ अंक कौन सा है, इनकी राशि क्या होगी, इनकी राशि के अनुसार इन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अवनी नाम का मतलब होता है पृथ्वी, जो पृथ्वी की तरह विशाल होती हैं उसका, उसी को अवनी कहा जाता है। अवनी का मतलब होता है धरती, धरा, पृथ्वी। अवनी नाम की लड़कियां जिस तरह धरती माता विशाल हृदय वाली होती हैं, उसी तरह अवनी नाम की लड़कियां भी विशाल हृदय वाली होती हैं। अवनी नाम की लड़कियों का जो दिल होता है, इनका दिल बहुत ही बड़ा होता है। इनके साथ कोई कितना भी अन्याय क्यों ना कर दे, पर यह उसे माफ़ कर देती हैं। कोई इनके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, पर एक बार उसे अपनी गलती का पश्चाताप करके और इनसे सिर्फ नॉर्मल शब्द में सिर्फ इनसे इतना कह दे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तो इनका हृदय इतना विशाल है कि ये तुरंत भावुक होके पापी से पापी इंसान को भी यह क्षमा कर देती हैं, भले वो इनके साथ कितना भी गलत क्यों ना कर जाए। इनका जो हृदय है वो बहुत ही कोमल और भावुक हृदय वाली अवनी नाम की लड़कियाँ होती हैं। अवनी नाम की लड़कियां बहुत ही समझदार भी होती हैं, पर कभी कभी यह अपने इमोशनल स्वभाव की वजह से, भावुकता की वजह से यह लोगों को परखने में धोखा खा सकती हैं, क्योंकि यह इतने सीधे स्वभाव वाली होती हैं कि यह अपनी ही तरह सबको समझ बैठती हैं, जो कि हर इंसान इनके जैसा नहीं हो सकता है, हर कोई इनको इनके जैसा मिले ऐसा नहीं होगा। इनके हिसाब से इन्हें अक्सर देखा जाता है तो अवनी नाम की लड़कियों को इनसे विपरीत ही लोगों मिलते हैं, फिर चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे वो फीमेल पर्सन हो। अवनी नाम की लड़कियाँ बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेती हैं, क्योंकि इनके मन में किसी के लिए कोई छल, कपट, द्वेष वाली भावना नहीं रहती है। ये खुद जैसी हैं ऐसी ही लोगों को समझ लेती हैं। अवनी नाम की जो लड़कियां होती हैं या दिल की बहुत ही साफ और सच्ची और अच्छी होती हैं। बात करें इनके बुद्धिमत्ता की तो ये बहुत ही बुद्धिमान होती हैं, या इनके अंदर एक ही कमी है कि यह अपने दिमाग का इस्तेमाल कहीं नहीं करती, यह हर जगह पे ये वही करती हैं जो इनका दिल कहता है और ये अपने दिल की सुनती हैं। अगर ये अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो यह लोगों को परखने में कभी भी धोखा नहीं खाएंगी। यदि इनके सामने कोई भावुक होकर, उसे भले कोई परेशानी ना हो, पर उसने अगर भावुक होकर इनसे कह दिया कि मुझे ये तकलीफ़ है, आज मुझे इतने की ज़रूरत है, तो भले इनके पास खाने के लिए, खुद के लिए हो या ना हो, पर उस इंसान की मदद करने के लिए 100% अपना देने को तैयार रहती हैं, हर तरीके से उस इंसान की मदद करने का प्रयास करती हैं। और इनके अंदर तो सबसे अच्छी क्वालिटी यह होती है अवनी नाम की लड़कियों की कि अगर इन्होंने 15 उपवास कर लिए हैं, इन्होंने 15 दिन से खाना नहीं खाया है और 16वें दिन अगर इनको भोजन मिल रहा है, और यदि इनके सामने कोई आ जाए और ये कह दे कि मैं भूखा हूँ और मैंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया है, तो अपने आगे का खुद का खाना जो होगा, खुद के भोजन को ना करके सामने वाले पर्सन को ये भोजन करा देंगे और खुद उपवास करके रहना पसंद करेगी। ये इतने विशाल हृदय वाली होती हैं। यह अवनी नाम का जो मतलब होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अवनी नाम का जो मतलब है धरा, पृथ्वी, विशाल हृदय वाली होती हैं, या करुणा से भरी हुई होती हैं, या धार्मिक विचार वाली होती हैं। पूजा पाठ में इनका अत्यधिक रुचि होता है, इन्हें भजन कीर्तन करना, पूजा पाठ करना और अच्छे आचरण वाली यह लड़कियां होती हैं। इनमें संस्कार कूट कूट के भरा होता है, इनके संस्कारों पर तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता है। और साथ ही साथ मैं एक बात यह भी बता दूँ, अवनी नाम की लड़कियाँ चरित्र से भी बहुत अच्छी होती
होती हैं। समय भले कलयुग का चल रहा है पर इन पे कलयुग का दौर अभी ये कलयुग के दौर में नहीं आई हुई हैं। जन्म इनका भले इस कलयुग में हुआ है पर इनका दिल दिमाग जो है वो सतयुग वाला ही है। अवनी नाम की लड़कियाँ अक्सर एक पुण्य आत्मा होती हैं जो अपने सिद्धांतों के अनुसार चलती हैं। अवनी नाम की लड़कियां पढ़ाई लिखाई में भी होशियार होती हैं और आगे चलकर ये अपने कठोर परिश्रम के बल पर एक अच्छे पद को हासिल करती हैं। हालांकि अवनी नाम की लड़कियों को सफलता देर से मिलती है। इनके भाग्य जो उदय होता है वो 25 वर्ष के बाद ही होता है। 25 वर्ष के बाद ये अपनी एक नई पहचान बनाती हैं और नई पहचान बनाने के साथ साथ समाज के बनाए नियमों के अनुसार यह चलना पसंद करती हैं। यह अपने से बड़ों को अपने से छोटों को भी बहुत ही मान सम्मान देने वाले में की लड़कियां होती हैं और साथ ही साथ इन्हें के अंदर अन्नपूर्णा माता के भी गुण होते हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी खाना बनाती हैं। अवनी नाम की लड़कियों की जो राशि होती है अवनी नाम की लड़कियों की राशि मेष होगी। मेष राशि होने की वजह से अवनी नाम की लड़कियों का स्वामी ग्रह जो है वह मंगल है और मंगल ग्रह होने की वजह से अवनी नाम की लड़कियों को रत्नों में मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगे की अंगूठी इन्हें अपने दाहिने हाथ में पहनना चाहिए कनिष्ठिका अंगुली में, जिससे इनका भाग्य और अच्छा चले। इन बात करें इनके शुभ रंग की तो इनका शुभ रंग जो है वह सफ़ेद और पीला है। बात करें इनके शुभ अंक की तो इनका शुभ अंक जो होता है 5-9-2 होता है। और बात करें इनके शुभ दिन की तो इनका जो शुभ दिन होगा वह सोमवार शुक्रवार और बुधवार होगा। इस दिन और इस दिन के पे ये कोई भी अपना शुभ कार्य करना चाहें तो इन्हें सफल होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। इन पे साक्षात महादेव जी की कृपा होती है। इनके इष्ट देव भी भोले बाबा होते हैं और ये भोले बाबा को बहुत ही ज़्यादा मानने वाले में की होती हैं। इन्हें पूजा पाठ करना जैसे कि मैंने बताया इन्हें अत्यधिक पसंद है। अगर ये कुछ पलों के लिए आज के माहौल में ढलने की भी कोशिश करती हैं तो फिर ये ढलना ही पसंद नहीं करती, क्योंकि इन्हें आजकल का जो दौर चल रहा है आजकल का माहौल इन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर से अपनी दुनिया में वापस आ जाती। इन्होंने किनकी एक आजकल के दौर के हिसाब से ये ढलने की कोशिश भी अगर कर लें तो इन्हें आजकल का जो दौर चल रहा है यह दौर इन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फिर से अपनी दुनिया में वापस आ जाती हैं। इन अवनी नाम की लड़कियों की एक अलग ही दुनिया होती है। ये अपनी दुनिया में मस्त रहना पसंद करती हैं। यह बहुत ही शांत स्वभाव वाली होती हैं। साथ में इनके स्वभाव में सहजता और सरलता कूट कूट के भरी हुई होती है और यह जल्दी किसी का जवाब नहीं देती हैं। और साथ ही साथ अवनी नाम की लड़कियां जो होती हैं जैसा कि मैंने बताया समाज की मर्यादाओं में रहकर ये रहना पसंद करती हैं। इन्हें समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि इनका मानना है कि जो मर्यादाएं बनी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए बनी हुई हैं। और अवनी नाम की लड़कियां पूरी ही जिम्मेदारी के साथ रहती हैं, अपने घर की भी जिम्मेदारियों को बखूबी ही निभाती हैं। अवनी नाम की लड़कियां जो होती हैं अपने पिता की बहुत ही प्यारी होती हैं। हालांकि बेटियां होती ही हैं बाप की प्यारी, लेकिन यह अवनी नाम की लड़कियां ऐसी होती हैं कि बहुत ही कम समय में लोगों के दिल में जगह बना लेती हैं। ये जहां कहीं भी जाती हैं जिससे भी मिलती हैं एक अपनी अलग छवि छोड़ के आती हैं, जिससे लोग इन्हें हमेशा याद करते रहते हैं। यह लोगों के दिल में अपने लिए जगह बना लेती हैं। अवनी नाम की जो लड़कियाँ होती हैं इन्हें अट्रैक्टिव दिखना पसंद होता है, भले वो अपनी सादगी से ही लोगों को पसंद आएँ या किसी भी रूप में किसी को पसंद आ जाए, पर इन्हें अट्रैक्टिव दिखना पसंद है। और ये अट्रैक्टिव भी इस अपनी सादगी की वजह से दिखती हैं, क्योंकि अवनी नाम की लड़कियां सज्जा धज्जा पे ज़्यादा भरोसा नहीं रखती हैं। इनका मानना है कि सुंदरता सादगी में है, ना कि बनावटीपन में है। यह बहुत ही सिंपल लड़कियाँ होती हैं। इन्हें ज़्यादा डेंट पेंट से रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बड़े ही सरलता के साथ अपना जीवन शैली को जीना पसंद करती हैं। अवनी नाम की लड़कियां जो होती हैं जैसा कि मैंने पहले ही इनके बारे में बता दिया कि इनका जो भाग्य उदय होता है वो 25 वर्ष की
आयु के बाद ही होता है। उसके पहले का जीवन जो होता है इनका बड़ा ही संघर्ष भरा होता है। और 25 साल के बाद 28 साल तक इनका 26, 27, 28 या 3 साल बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है इन्हें, तब जाके इन्हें सफलता मिलती है। लेकिन अपने कठोर परिश्रम और जिद्दी स्वभाव की वजह से यह कामयाबी हासिल कर ही लेती हैं और एक समय आने पर इन्हें चमकता हुआ हीरा बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि इन पे साक्षात आदिशक्ति शिव शक्ति महादेव जी की कृपा होती है। मित्रों, यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आपके साथ।